हैदराबाद में सिमेंटिक स्पेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम किए हैं सर। तो हैदराबाद छोड़ करके गांव में आए तो आपकी पत्नी तो नाराज होगी आप पर। मेरा पत्नी आल्सो ग्रेजुएट हूँ सर, ये ये इंटरेस्ट। बच्चे भी आपको गुस्सा कर दी होगी कि आप हैदराबाद छोड़ करके गांव में आ गए। आलार खुशी है सर, खुशी है सर, वी आर हैप्पी सर, चलिए। सभी खुशी। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय आपको ये खेती करने का विचार कैसे आया? खेती बहुत मेरे को बहुत पसंद है सर। खेती करने के लिए पढ़ने लिखना लोगों से और अच्छी खेती करता हूँ सर। मैं मानता हूँ मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में केवीके शास्त्रवेत्ता करीमनगर को सूचना और सलाह से मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ सर। गाय बकरी मुर्गी मछली पालन कर तो एंड प्राकृतिक खेती भी कर शुरू किया है सर। यानी आपने खेती के जितने पहलू हैं सभी पहलू को अपनाया है और सब में से कमाई होती है। सबका हाँ सर, अच्छा बहुत फायदा है। मल्लिकार्जुन जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को किसान क्रेडिट कार्ड मिला है सर, SBI एंड माता जी का UBI बैंक से। मेरे को 5 लाख मिला है सर किसान क्रेडिट कार्ड्स में, एंड फसल बीमा एंड PM किसान कितना में ब्याज मेरे को देना पड़ता है किसान क्रेडिट कार्ड में? जो 5 लाख रुपए मिला कितना ब्याज देना पड़ता है? इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट है। 7%? नहीं, 7 नहीं होगा भाई। सब्सिडी मिलता है ना? नहीं, आपकी जानकारी ठीक नहीं है। आप पक्का कर लीजिए 7% नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री KCC से आपने लिया है तो भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारें भी किसानों को काफी मदद करती है इसमें। तो आप चेक कर लीजिए कहीं गलती से किसी और जगह पे आपका खाता न चलता हो, कहीं गड़बड़ न होती हो, क्योंकि रूटीन लोन में न गिन लिया हो, जरा चेक कर लीजिए। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, आपने जैसे बताया कि आप एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, थोड़ा इसका विस्तार से बताएंगे, इसका फायदा क्या हुआ है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में रेगुलर इनकम आता है, डेली इनकम आ रहा है सर मेरे को। मछली पालन कर रहा हूँ, बकरी बकरी से डेली इनकम आ रहा है, मुर्गी से मैं एक सा मिल रहा है, टोटल। और औषधि पौधों भी मैं पालन उगाए सर, एंड देशी पैडी वेराइटीज में मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। ए नवारा ए देशी इंडिजिनस राइस वेराइटी से हम कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। ए नवारा ए इंडिजिनस पुराना कले के लिए सर। ए डायबिटिक का राइस ही है सर। ए काला भट्टी ए राइस कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। मणिपुर ब्लैक मेरे ए दो ये भी कल्टीवेट कर रहा हूँ सर। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के 5 से मेरे को इनकम आ रहा है सर। मैं या पहले से मैं सांप्रदायिक खेती में मोनोक्रॉप सिस्टम में मेरे को ओनली 12 एकर्स में मेरे को 6 लाख मिला है सर। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अप्रोच करने के साथ साइंटिस्ट का करीमनगर के सूचना और सलाह जमी सलाह से मेरा इनकम द्विगुण द्विगुण हो गया सर। 12,35,000 इनकम मेरे को मिला है सर। मेरे मेरे कृषि के फसल में मेरे को ICAR से इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिलाया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू माननीय जी से प्राकृतिक खेती का अवार्ड रैतनेस्तम अवार्ड मिला है सर मेरे को। ये टोटल में मैं आधा द्विगुण डबल देकर रहा हूँ सर। मैं देखने के बाद मैं आसपास गांव भी फार्मर भी चालू की रहे हैं सर। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड प्राकृतिक खेती के लिए फार्मर को ट्रेनिंग एंड दे रहा हूँ सर। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, क्या एक काम मेरा कर सकते हैं आप? जरूर सर। कर सकते हैं?
जरूर सर, पक्का। नहीं, मैं पक्का कठिन काम नहीं बताऊंगा, आप संकोच मत कीजिए। अच्छा, कठिन आप कभी कभी यूनिवर्सिटीज में कभी बच्चों को जाकर के लेक्चर दीजिए, मेरे मेरे ताकि पढ़े लिखे लोगों को लगे कि किसानी से भी कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन की जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर किसानी में आते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। सही सर, तो करेंगे। अच्छा, करेंगे सर। ये बेटी आपकी क्या नाम है उसका? नमस्ते बेटा, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम युवना। अच्छा, ये दो दोनों बेटी हैं आपकी? दो बेटी हैं सर। क्या नाम दोनों का? बोलो। मेरी मेरा नाम युवना। मेरा नाम अद्विका। अच्छा, चलिए बेटा, बहुत अच्छा लगा आपके पिताजी को आपके मदद मिल रही है, ये भी अच्छा लगा हमको। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, जैसा आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति खेती की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे तो बहुत आनंद हुआ और देश में जो भी लोग सुनते होंगे उन सबको आनंद होगा। किसानी में कितनी संभावना है इसका आप एक मजबूत उदाहरण है। और आप केमिकल फ्री फार्मिंग भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य उद्योग भी करते हैं, यानी आप नए नए प्रयोग भी करते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कितना सारा करते हैं आप। यानी आपने अपने शिक्षा भले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई हो, लेकिन आपने काम इसमें लगाया, आप अपने प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा किसानों का लाभ हो सके, आपका काम बाकी किसानों के लिए वाकई बहुत प्रेरणादायक है। तो मेरी तरफ से आपको तो बधाई है ही है, लेकिन आपकी पत्नी को विशेष बधाई है, क्योंकि इतना अच्छी जिंदगी, मौज की जिंदगी छोड़ करके खेत में और गाय बकरी के बीच में ला करके आपने खड़ा कर दिया, और वो आपको गर्व के साथ साथ दे रही है। ये भारत की नारी शक्ति का साक्षात रूप है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी। अरे ना, अब डूंगरपुर राजस्थान चलते हैं, जहां से श्रीमती ममता डिंडोर जी जुड़ी हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका डूंगरपुर में। ममता जी नमस्ते। नमस्ते सर, श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत तो ये शुभकामनाएं। वेलकम वेलकम आपने किया? अरे हाँ सर, मैंने वाह, किया आप कितना पढ़ी लिखी है। सर, मैं बीए पास हूँ। अच्छा, हाँ और सर, आप तो डिंडोर में रहते हो तो गुजराती भी बोल लेती होगी? हाँ बोल लेती हूँ सर हाँ, थोड़ा क्योंकि बहुत। आपके लोग तो थोड़ा गुजरात के पास है, तो हाँ स्वाभाविक पास है, आपके यहाँ गुजराती भाषा भी चल जाती है। चल जाती है। अच्छा ममता जी, जरा आपके विषय में बताइए, आप क्या काम करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके विषय में और क्या आप बता सकती हैं? सर मेरे परिवार में 5 लोग हैं और हमारा संयुक्त परिवार है। और सर मैं आजीविका के अंदर 2016 से जुड़ी हूँ, उसमें मैं काम कर रही हूँ सर, समूह बनाने का। और सर मेरे अंदर सीएलए फेडरेशन जुड़ा हुआ है, उसमें मेरे पास 550 समूह है, उसमें 7,500 तक महिला के साथ में मैं काम करती हूँ। और सर उसमें मेरे को गांव दिए हुए हैं 11, उसमें मेरे 350 समूह है, उसमें सर मैं लोगों को जागरूक करने का मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ। और सर समूह से मैं उनको पैसा दिलाती हूँ। सर समूह में मैंने खुद पैसे लिए, 50,000 लेके मैंने बोरिंग करवाया। उसे सर मैंने सब्जी की दुकान लगाई, सब्जी खेती खेत में मैंने सब्जी लगाई, फिर मैंने दुकान सब्जी बेचने का किया। फिर सर मैंने 1,00,000 रुपये अपने राजीविका से फिर मैंने लिए, उसे सर मैंने अपने खुद पास बाजार में ही सरस डेयरी मैंने लगवा दी। सर उसमें मेरे पति को मैंने रोजगार दे दिया उसमें। और पहले सर मेरा घर ऐसे समूह में जुड़ी नहीं थी, तब सर हमारी स्थिति बहुत खराब थी। और सरकार की योजना भी मेरे को बहुत मिली है सर, और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला सर, उसमें मेरा सपना था। पहले
पहला मेरा बचपन से मकान मेरा बहुत कच्चा था और बचपन शादी उसके बाद भी मकान मेरा कच्चा था और मेरे को इतनी हेल्प मिल गई उससे मैं अपना मकान में अच्छा बना सकी सर और बहुत खुशी से और मेरा परिवार भी हम खुशी से रह रहे हैं सर उसमें। ममता जी आपको पीएम आवास योजना के कितने पैसे मिले? सर मेरे को 1,48,000 का है उसमें 1,20,000 मिला सर उसमें शौचालय का है और बाकी के पैसे मेरे को रोजगार में मिले सर। तो किसी को आपको ये मकान मिल जाए इसके लिए किसी को रिश्वत देनी पड़ी हो किसी भी सिफारिश करनी पड़ी है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ सर मेरे साथ। अच्छा आप ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तो जिन लोगों को मिला नहीं अभी कुछ तो लोग रह गए होंगे और कुछ लोगों के परिवार अलग होंगे नए नौजवान अब शादी करके अलग रहने गए होंगे तो उनको मकान की जरूरत होगी तो क्या ऐसे लोगों को आप विश्वास दोगी कि मोदी है तो जरूर तुमको भी मकान मिलेगा? जरूर दूंगी सर मैं और मैं लोगों को भी बहुत जितने कैंप हुए उसमें मैंने भाग लिया और लोगों को भी मैंने बताया है कि गारंटी वाली गाड़ी आई है अपना काम गारंटी के साथ होगा सर। अच्छा ममता जी आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी है? हाँ सर। इस स्वयं सहायता समूह में कितनी बहनें हैं और पहले कितनी थी आपने कितनी बहनें बढ़ाई और सबको क्या क्या लाभ मिल रहा है? सर समूह में मेरे खुद का समूह का नाम है महालक्ष्मी मेरे ग्राम संगठन का नाम है राधे राधे सेलब का नाम है जय अम्बेमा महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड सागवाड़ा। सर मेरे अंदर पहले तो मेरे 7 गांव थे और पूरे क्लस्टर फेडरेशन पे सर 34 गांव है जिसमें 14 पंचायतों पे हम काम करते हैं सर और मेरे को खुद को दिया था 7 गांव करते करते सर मेरे पास 12 गांव हो गए। पहले मेरे पास 90 समूह थे 90 समूह में मैं 200 महिला तक थी सर अब मेरे पास 150 समूह हो गए 150 में सर 350 के आसपास मेरे पास महिलाएं इतनी काम कर रही है और उन महिलाओं को मैं समूह जोड़ती हूँ सर उसमें उनको पैसा बैंक से भी दिलाती हूँ हमारी राजीविका से भी मैं दिलाती हूँ सर और उनको जितनी भी योजना उनके बारे में उनको फायदा लेती हूँ और कृषि के बारे में भी सर उनको हम सब्जी अपने घर की ही लगवाते हैं सर बाजार से लाने में उनको हर बारे में ट्रेनिंग देते हैं सर। ममता जी मुझे लगता है आपको आधुनिक दुनिया का सब पता है पीछे हाँ देखिए आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ठगी परबलेट आपके काम आए हाँ सर। ये सारी बहरे पीछे मैं देख रहा हूँ बड़ी खुश हाँ नजर आ रही है सर वो हमारे साथ काम करने वाली ही महिला है सर। वाह देखिए मुझे इतना आनंद हो रहा है कि डूंगरपुर के गांव में मेरी माताएं बहनें इतनी खुश हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही है ना आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद दे रहे सर। अच्छा ममता जी आपने अपने साथ ही दूसरी महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाने की सफल कोशिश की मुझे नजर आ रहा है। बहुत कोशिश किया सर और कर रही हूँ मैं। आप स्वयं सहायता समूह से मैं एक एक्टिव मेंबर है और अपने बाकी महिलाओं को भी समूह से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। आपकी इस पहल से सबका लाभ हो रहा है और हमारी सरकार आपको पता होगा पिछले 9 वर्षों से लगातार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में लगी है। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम 2 करोड़ बहनों को जो स्व सहायता जूथ से जुड़ी हुई है 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हाँ सर वो भी हमारा लक्ष्य है। आपको मालूम है ना मोदी जब गारंटी देता है तो 2 करोड़ लखपति दीदी बना के रहेगा? हाँ सर। जरा पीछे से आवाज आनी चाहिए भरोसा है आपको? पक्का भरोसा है? हाँ सर। देखिए इस संकल्प में आप जैसे समूहों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है और आपकी मुझे बहुत मदद लगेगी तो आप बिल्कुल जोरों से गांव गांव में बात पहुंचाइए नई नई चीजें करने के लिए सोचिए ताकि हम 2 करोड़ लखपति दीदी
आप देखिए गांव गांव में स्व समूह सहायता से जुड़ी हुई बहनें अगर 2 करोड़ लखपति बन जाती है ना, तो ऐसा वातावरण बदल जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी का सपना भी है। तो आप मदद करेंगे साहब? शायद आपके यहाँ कट हो गया ऐसा मुझे लगता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ तो सर, आप लोग मदद करेंगे? करेंगे सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर आपको भी धन्यवाद। और सर अब हरियाणा के रोहतक चलते हैं, जहाँ से श्री संदीप जी जुड़े हुए हैं। राम राम प्रधानमंत्री जी। राम राम प्रधानमंत्री जी। ये राम राम रा राम राम सा। सर संदीप जी बताइए आप क्या काम करते हैं, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप है, पिता का नाम बलवान है, गांव अजायब है, राज्य हरियाणा है। सर सर मैं खेती करता हूँ सर, किसान हूँ एक छोटा हा। और हमारा संयुक्त परिवार है, 11 सदस्य हमारे परिवार में, 4 भाई हैं, माताजी है, तीनों की शादी हो चुकी है हमारी, हमारे तीनों भाइयों का एक एक लड़का है। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है सर। ऐसा तो नहीं होता है ना बैंक खाते में जमा हो जाए और पता ही नहीं चले कि बैंक में जमा हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ क्या हुआ। क्योंकि अभी मुझे एक गाँव से पता चला, जब मुझे वो तो किसी ने हमारे गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको ये मोदी पैसा भेजता है मिलता है क्या, तो गांव के लोगों ने कहा, वो 2-4 परिवार ने, नहीं नहीं हमें तो नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नर साहब बड़े जमीनी व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको कहा ऐसा करो आपकी बैंक बुक बुक की ले आइए, बैंक की बुक ले आइए। तो बैंक की बुक लाए, उन्होंने दिखाया, देखिए ये पैसा कहाँ से जमा हुआ है। तो बोले ये तो मालूम नहीं, अंदर जमा हो जाता है। तो कब से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आ गया है, तो आपको तो पता है ना? यस सर मुझे पता है सर, हमारे फोन में मैसेज आ जाता है। और गांव के किसानों को भी पता है कि पैसा आता है कहां से आता है? बिल्कुल पता है सर। अच्छा ये पैसे आपकी कितनी मदद हो जाती है? इन पैसों से सर हमारी मदद ये हो जाती है, जैसे बुआई का टाइम है उस टाइम पे कुछ तो पैसे अपने अपने पास ही हो जाते हैं, कुछ आपके पास सहयोग से मिल जाता है, खाद ले आते हैं, बीज ले आते हैं, समय पर बुआई कर देते हैं। समय पर बुआई होगी तो दूसरी किस्त आती है, उस टाइम पर कुछ खाद और आ जाता है, उसमें हमें अच्छी उपज होती है, अच्छी पैदावार होती है, इससे हमारा बहुत सहयोग होता है सर। संदीप जी आपके पास राशन कार्ड है तो उससे आपको राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, कभी समय पर राशन मिल पाता है, समय पर मिल जाता है, बिल्कुल समय पर मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है? वो बिल्कुल बंद हो गया सर। देखिए हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है करिए सर। अच्छा संदीप जी, अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई, तो क्या आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया क्या? आपके गांव में उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी, हमारे गांव में आई है जब ढोल नगाड़ों के साथ, मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे आगे लेकर आए सर इसको। और हमने इसमें कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, फिर भी गांव के लोग इतना बड़ा स्वागत करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव में समाचार पहुंच जाते हैं, अगर दूसरे गांव में भी पहुंच जाते हैं? बिल्कुल सर, दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं। तो संदीप जी आपके बगल में आपकी माताजी बैठी हैं? नहीं मेरी काकी है, सरपंच है। अच्छा मेरा प्रणाम कहिए। नमस्कार जी। अच्छा इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें बैठी हैं, इतनी ठंड में बैठी है, तो माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। आपको पता है ना रामलला का? बिल्कुल पता सर। तो गांव में वातावरण है, वाह चलिए माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। संदीप जी
आपसे बात करके इस बात का संतोष हुआ कि आप सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिला है, और हमारी कोशिश है कि सरकार की हर योजना का लाभ गरीब से गरीब को भी मिले, किसी भी लाभार्थी को भटकना न पड़े। सरकार की इसी कोशिश में हम आप सभी का सहयोग भी बहुत शक्ति देता है। आप भी प्रयास करें कि आपके इलाके में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा बारे में जागरूक हो, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जागरूक हो, और जो लाभ उनको हक है, मैं तो जो बाकी है उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। उनको बताइए ये मोदी है वो आपको दे करके ही रहेगा, ठीक है सर, तो ये विश्वास पहुंचाएंगे सबको? बिल्कुल सर, ये माताएं बहनों को विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। रिभोई मेघालय से श्रीमती सिलमे मारा जी जुड़ी हैं, अब हम यहाँ चलते हैं। नमस्ते सिलमे जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर जी। अच्छा सिलमे जी, सबसे पहले अपने विषय में बताइए, परिवार के विषय में बताइए, आपके काम के विषय में बताइए। ठीक है सर, शुक्रिया इस समय के लिए। मेरा नाम है सिलमे के मारा, मेरा पिताजी का नाम है हेत्य दमलू संगमा, और मेरा माँ का नाम है नूल के मारा, और हमारे घर में 7 मेंबर है, जहाँ मेरा बड़ा बहन है और 3 भाई है, और मेरा गांव का नाम पिलांगता है और रिभोई डिस्ट्रिक्ट, हमारा ब्लॉक का नाम है उमलिंग, और ये मेरा ग्रुप का नाम है रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप, और हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नांगरमे बीओ। और हो गया, मैं एसएसजी से जुड़ने से पहले एक छोटा दुकान करता था, जहाँ मैं उसमें इतना मेरा ज़रूरत का सामान या खर्चे के लिए नहीं निकलता था, लेकिन जब से मैंने 2019 28 मार्च को मैंने एसएसजी में जुड़ा है, उसके बाद मुझे मौका मिला है एसएसजी में काम करने के लिए। वो काम का नाम है एक्टिव वोमेन, मैं वहाँ पे जुड़ गया और वहाँ में काम किया, तो उसमें मुझे अच्छा लगा काम करके, और 20 बस्तियाँ में जाके मैं काम करता हूँ, और 50 से भी ज़्यादा मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला लोग को बना के दिया है, और वहाँ में मैं अच्छे से काम करता हूँ, और वो काम करने के लिए 20 बस्तियाँ में जाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता था सर जी, इसलिए मैंने हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन से मैंने 50,000 का लोन लिया है, उसी से मैंने एक स्कूटी लिया है, जहाँ मैं अच्छे से जाके बस्तियाँ में जाके मैं काम कर सकता हूँ, मैंने वहाँ से लोन लिया। फिर वो मौका मिलने का बाद में मुझे फिर ब्लॉक का तरफ से मुझे और नया मौका मिला है अच्छा काम के लिए, जहाँ मैं हमारे एरिया में बस्ती में रास्ता वो सब भी इतना अच्छा नहीं था, और हमारे यहाँ में ब्लॉक में आने के लिए बहुत दूर था, इसलिए हमारे ब्लॉक का तरफ से कस्टमर सर्विस पॉइंट वो खोलने के लिए दिया है, मैंने वो मौका भी मिला, मैंने वो भी खोल दिया दुकान, और वहाँ में मैं मेरा बस्ती का आदमी लोग को जैसे कि श्रम कार्ड बनवा के दिया है, और पीएम किसान भी वो बना के दिया है रजिस्ट्रेशन करके, और हो गया हमारे शेड्यूल ट्राइब वो सब भी बना के दिया है, और जो पैसा निकलने के लिए आने जाने में बैंक में दिकदार होता है, वो सब के लिए भी मैंने पैसा निकालने और भराने का काम भी करके दिया है, और जितना सका मैंने मेरे एरिया का आदमी लोग को काम करके दिया है, और ये सब मिलने का बाद में फिर से हमारी एसएसजी रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप को मौका मिला है। हम लोग तो 2019 से हमारे रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग और बेकरी में भी फूड प्रोसेसिंग और बेकरी स्टार्ट किया है सर जी, और उसके बाद हम लोग को मौका मिला ट्रेनिंग वो सब, और हम लोग को ट्रेनिंग मिलने के बाद में हम लोग वो सब सामान बना के, जैसे कि हम लोग नारियल का कास और ये बनन केले का चिप्स और
बिस्किट और बेकरी और अलग अलग अचार हम लोग बना के मेरा रुकना सहर ग्रुप ने ये सब बिजनेस किया है और हमें ये सब से हमारे ग्रुप का मेंबर को भी बेनिफिट मिल गया है और आगे जाके हम लोग और अच्छा से करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे ग्रुप को मजबूत करने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये हमारी ये एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को शुक्रिया करना चाहता हूँ, इसी के वजह से हमारे ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय का सभी महिला लोग को आगे बढ़ने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ और हमें ये एनआरएलएम को खुलने का एनआरएलएम से जुड़ने का बाद हम लोग को रिवॉल्विंग फंड 15,000 का मिला है, लाभ मिला है और हो गया विलेज ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग को कम्युनिटी इंसेंटिव ये सीआई फंड मिला है और हो गया हम लोग को बैंक से भी लोन लेने का मौका मिला है। ये सब के लिए भी एनआरएलएम को शुक्रिया करना चाहता हूँ और हो गया वो सब से हम लोग का मैंने वो 50,000 रुपया स्कूटी लेने के लिए लिया था विलेज ऑर्गेनाइजेशन से और हो गया 50,000 मैंने फिर बैंक से लोन लिया है, वो मैंने एक सीएससी सेंटर कस्टमर सर्विस सेंटर को चलाने के लिए एक लैपटॉप और एक प्रिंटर मेरा दुकान के लिए मैंने लिया है, उसी से मैंने हर महिला और हर गांव का आदमी लोग का सुविधा करके दिया है और हो गया जो 15,000 हम लोग को मेरा ग्रुप को रिवॉर्डिंग फंड मिला है 15,000 का, उसी से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया है हमारे रुकना एसएससी ने। सो इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय का तरफ से, शुक्रिया सर जी। सिलमे जी, सबसे पहले तो मैं ताली बजा करके आपका गौरव करना चाहता हूँ। मैं ताली इसलिए बजा रहा हूँ कि आप जिस आत्मविश्वास से बोल रही है और एक साथ इतनी सारी योजनाएं बता रही है, ये तब संभव होता है जब खुद कोई काम करता है। रटा रटाया और कोई पढ़ा लिखा इससे नहीं होता है, और आपकी बातों से मैं लग रहा हूँ कि आप खुद इससे इतनी डूब गई है, इतना काम कर रही है इसके कारण ये कर रही है। और दूसरा मैं खुशी इसलिए है कि आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हैं सिलमी जी। क्योंकि सर जी हम लोग का एरिया में आसामीज लैंग्वेज और इंग्लिश और गारो और हिंदी ये सब चलता है, इसलिए हम लोग को बोलने में इतना प्योर हिंदी तो नहीं मिलता है, लेकिन भी जितना सकते हैं हम लोग वही यूज करता है सर। आप बहुत बढ़िया बोल रही है, मेरे से भी अच्छी बोल रही है। मैं तो हिंदी बोलता हूँ तो बीच में गुजराती आ जाता है। तो कभी मेरे साथी मुझे बताते हैं साहब ये शब्द हिंदी में नहीं है। आप तो बहुत बढ़िया बोल रही है सिलमे जी। मुझे ये भी बताया गया है कि आप खुद 50 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद कर चुकी है। हाँ जी सर, किया। थोड़ा इसके बारे में बताएंगी। हमारे गांव-गांव का बस्ती में सर बहुत सारा महिला है, कोई कोई तो नहीं मालूम था ये एसएसजी क्या था क्या नहीं था और क्या बेनिफिट है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो लोग को मालूम नहीं था सर जी। तो मैंने जाके वो लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, फिर जाके वो लोग को ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में 10 मेंबर करके मैंने जाके बनाया है मेरे टीम के साथ, और मैं कभी अकेला भी जाता हूँ वो सब करने के लिए नज़दीक बस्तिया में। दूर में तो हम लोग ग्रुप का हिसाब से जाता है, लेकिन नज़दीक में तो हम अकेला भी जाता है सर जी। और हो गया वो सब में जाके मैंने अच्छा से उन लोग को बताया ये एसएसएल हेल्प ग्रुप क्या है, ये क्या के लिए होता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया और सेविंग कितना इम्पोर्टेंट है आगे जाके, वो सेविंग के बारे में मैंने बताया है वो लोग को ग्रुप होने का बाद में, और ग्रुप होने का बाद में वो लोग को कैसे ग्रुप को चलाना है वो सब भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है सर जी। फिर अभी तक तो सब कुछ हम लोग का एरिया में अभी चल रहा है, और हम लोग का यहाँ में जितना मेरा एरिया है सैचुरेटेड हो गया है, लेकिन भी एक गांव में मतलब सब गांव में तो सैचुरेटेड हो गया है, लेकिन भी नया नया और भी एज का हिसाब से उम्र का हिसाब से प्लस हो रहा है बोल के, और भी ग्रुप और बनाना है सर वो लोग को, और हम चाहता है कि आगे में जाके वो लोग को भी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जगह में लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है सर। सिलमे जी, आपका काम निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाला है। आपने अकेले ही
इतने सारे स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं, ये दिखाता है कि आप समाज के प्रति कितनी समर्पित है। आप जैसे नागरिकों का समर्पण हर लाभार्थी तक पहुंचने के हमारे संकल्पों की शक्ति बन जाता है। आप काफी उत्साह से काम कर रही है। और मैं जरा सिल्वी जी, आपके परिवार में कौन कौन है बताएं आपने? और मेरा पिताजी है, और मेरा माँ, और मेरा बड़ा दीदी, और बड़ा भाई, और दो छोटा भाई, सब मिला के 7 मेंबर है सर जी। और मेरा पिताजी पोस्ट ऑफिस में पियोन का काम करता है, और मेरा माँ भी पोस्ट ऑफिस में क्लीनर का काम करता है। और तो आपके साथ आपके परिवार के लोग बैठे हैं? जी नहीं सर, नहीं, मेरा ग्रुप के मेंबर लोग आए हैं। सब आपके ग्रुप के हैं? हाँ जी सर। तो सब खुश हैं? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। हाँ खुश है सर। ये सिल्वी जी ने बताया, आप लोग सहमत हैं सब? हाँ जी सर, सहमत है सर। तो सिल्वी जी आपकी लीडर है? हाँ सर। हाँ, हाँ। अच्छा, आप काफी उत्साह से काम कर रही हैं, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा। मैं सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और इस काम को आप जारी रखिए। बहुत बड़ी शक्ति है हमारी माताएं बहनें, उनको जितनी मदद कर सकते हैं सरकार करना चाहती है। आप जैसे लोग अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी सर। तो पक्का करोगी? हाँ सर। तो आप ही गांव की मोदी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई महाराष्ट्र के कल्पना जी से अब संवाद करेंगे। कल्पना जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप बैठिए कल्पना जी, बैठिए। कल्पना जी, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा कमजोरी कम्युनिटी को आज आपके सामने बिठा कर पूछ रहे हैं, आपके लबों पर मेरे नाम ले लिए, इससे बढ़कर तो मेरा कुछ नहीं सर। मेरे कोई पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। हमारा माँ टुकराया, बाप टुकराया, भाई बहन भगाया, और हमारे कम्युनिटी के साथ हम इतना दिन कैसा भी चलाते थे, पेट भरते थे। अभी मुंबई में ठिकाना होने के बाद किन्नर समूह में रहती है, अलग रहती है? किन्नर समाज के अंदर रहते हैं सर। हाँ। हमारे बहनों के साथ, हमारे किन्नर बहनों के साथ साथ रहते हैं सर। हाँ। सभी लोग हम अलग से रहते हैं सर, कोई भी माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। माँ बाप टुकड़ा देते हैं, अभी सब एक साथ हो जाते हैं। चार जन एक घर में रहते, चार जन एक घर में रहते, तीन जन एक घर में रहते, ऐसे रहते हैं सर। फिर हम लोग कुछ शादी वगैरह में नाचने जाते थे, कोई बधाई लेके आके पेट भरते थे। जिसका बच्चा होता था वहाँ पे जाके लोली देकर उनको दुआ आशीष करके लेके आके पेट भरते थे। अभी मुंबई में ये बीएमसी के तरफ से हम लोग को समझाया गया था, आप लोग कुछ व्यवसाय करो, कुछ इज्जत से जिया करो। हमारे समझाने के बाद हम लोग एक बचत गट खोले थे। फर्स्ट हमारा बचत गट ही खोला था गवर्नमेंट पे। इससे पहले हमको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाले नहीं थे सर। अभी गवर्नमेंट में हमारा नाम छपाया गया, बहुत खुश हो गए सर। आपके राज में इतना खुश हो गए, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं देख लीजिए। आज आपके सामने खड़े होकर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। कल्पना जी, सरकार की योजनाओं से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कौन कौन सी योजनाओं ने बहुत ही आपको प्रभावित किया? सर मैं बचत गट खोलने के बाद हमारे 20,000 का अनुदान मिला था हमारे व्यवसाय खोलने के लिए सर। ऐसी बास्केट हम लोग बनाते हैं, डिजाइन डिजाइन का रकम रकम बिस्किट बास्केट बना के हम बेचा करते हैं सर। उसके बाद इडली डोसा का दुकान खोल के उसमें भी चलाते हैं, और फूल बेचा करते हैं, और फल फ्रूट का धंधा भी करते हैं तो सर। आप इडली डोसा क्यों बेचती है, भाजी पाव क्यों नहीं बेचती? पाव भाजी भी हमारे को आता नहीं सर। और ये मुंबई में तो बड़ा पाव खाते हैं ना, मुंबई में तो बड़ा पाव बेचने वाले बहुत है सर, गली गली को रोड रोड पे बड़ा पाव बहुत बेचते हैं। इडली डोसा चालू करे तो जरा सा अच्छा लगता बोल के हमको, धंधा चलेगा बोल के।
करते हैं सर। और हमारे कल्पना जी, आपने जो चीजें बना करके मुझे बताया, इस प्रकार से काम आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपको मालूम है आप समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जरा मेरी बात करते हैं, मेरी बात आपको कठिन लग रही है, देखिए मैं बताता हूं। ये आप तो छोटा छोटा काम कर रही है, खुद का पेट भर रही है, लेकिन समाज में जो छवि है ना कि किन्नर लोग कभी आते हैं, परेशान करते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं, ये आपने उदाहरण बताया है कि नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमको अगर मौका मिले तो हम मेहनत करके पेट भरना चाहते हैं, हम समाज पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। ये आप करके दिखा रही हो और ये पूरे किन्नर समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देगा और बाकी समाज को आप सबके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। आप इतना बड़ा काम कर रही हो। जी सर, आप देख लीजिए, अभी हमारे किन्नर समाज के लिए कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कर रही हूँ सर। अभी महाराष्ट्र में कोई बचत कट नहीं था किन्नर के लिए, फर्स्ट पहले बचत कट हम ही खोला था और बाकी लोग भी खोलने की कोशिश कर रही हूँ, सबको समझा रही हूँ। और वो संजय गांधी योजना का पेंशन आप दे रहे हैं, वो भी हम लोग सब देने के लिए कोशिश करें, पहले सब किसी को भी नहीं मिला था सर, अभी हम ले रहे हैं, सबको हम दिला रहे हैं सर। अभी तो कम से कम 1200 लोग से ज्यादा हम पेंशन ले चुके हैं। अच्छा, पीछे और आपके समूह गठ के लोग हैं कि और लोग बैठे हैं? नहीं, हमारे लोग ही बोल रही हूँ सर, सिर्फ हमारे किन्नर समाज के ही बोल रही हूँ सर। जरा हाथ ऊपर करें तो देखें कितने लोग हैं, सब काम करते हैं। और भी हैं। अच्छा अच्छा, कल्पना जी, आपका साई किन्नर बचत गठ, उसके और क्या क्या काम है जरा हमें बताएंगे आप? जैसा आपने बताया उससे सिवाय और क्या काम है? और हमारे सर वो सबको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बना के दे रहे हैं सर, सबको। हमारे मुंबई के अंदर कितने ट्रांसजेंडर हैं, सबको बना के देने के काम करते हैं। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड की जरूरत है वो इसलिए नकली लोग से बचने के लिए वो बना के दे रहे हैं सर। और पीएम स्वनिधि का वो योजना से सबको मिलना चाहिए, सबको व्यवसाय करने के लिए उनको मदद करने का है, उनको ऐसे मांगना काम धंधा छोड़कर अपने कुछ व्यवसाय करो बोल के समझा कर उनको सबके पीएम स्वनिधि का लोन दिलाते जा रहे हैं सर। कल्पना जी, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत किन्नर समाज कैसे करेगा? अभी भी कुछ दिन बाकी है और अब तो मैंने, मुझे बड़ा आग्रह हो रहा है तो मैंने कुछ समय बढ़ाने का भी तय किया है। पहले तो 26 जनवरी तक करने वाले थे, लेकिन अब मुझे फरवरी में भी इसको चालू रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए लोगों को आप कितना जोड़ते हैं? सर हम जोड़ते हैं सर, सबको समझाते जा रही हूँ। आपके गारंटी वाली गाड़ी पे हमको बहुत मजा मिला था, हमारे एरिया में भी आई थी सर वो गाड़ी, सब हम हमारे बुलाया गया, हम लोग गए थे वहाँ पे, चेकअप किया जाता है, बीपी शुगर का चेकअप किए थे, और वो आयुष्मान भारत का वो कार्ड का लिख लिया है, अभी कार्ड मिल ही जाएगा, उसमें बहुत सारे फायदा मिलेगा ना सर हमको, हॉस्पिटल जाने के लिए, कुछ इलाज करने के लिए। कितने लोग हमारे बड़े बूढ़े लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी इसी ये कार्ड मिल गया तो बहुत फायदा हो जाएगा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल्पना जी, आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, फिर भी आपने हार नहीं मानी। आज आप ऐसी स्थिति में है कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही है, और मैं चाहता हूं किन्नर समाज के सारे देश में ये खबर पहुंचनी चाहिए कि ये सरकार किन्नर समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े के लिए कई योजनाएं चला रही है, और शायद हमारे देश में पहली बार किन्नर समाज के लिए भी कोई सरकार सोचती है, काम करती है। आपका जीवन और काम सबको प्रेरणा देने वाला है। पिछले 9 वर्षों में हमारा प्रयास है कि वंचितों को वरीयता मिले, हर वो नागरिक जो अब तक विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयास ये है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिले, उनके दरवाजे पर मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसे लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भी कहते हैं, इसी सोच का विस्तार है। हम
तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक योजनाओं का 100% सेचुरेशन ना हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर वंचित तक हमारी सरकार जरूर पहुंचेगी। चलिए, आप सबको मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे का क्या कार्यक्रम है मेरे लिए बताइए। मैं ये बोलने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है और अब उसको लोग गारंटी वाला रथ कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो जब जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। साथियों, जब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से हमने ये यात्रा शुरू की थी तो इसकी इतनी सफलता की कल्पना नहीं की थी। बीते दिनों में मुझे कई बार इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला, अनेकों लाभार्थियों से मेरी खुद बातचीत हुई। सिर्फ 2 महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन में बदल गई है। जहां भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, लोग बहुत अपनेपन के साथ स्वागत कर रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प यात्रा से अब तक 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। और हमारे मनसुख भाई ने, हमारे आरोग्य मंत्री ने बहुत सारे आंकड़े आपको बताए हैं। देश की लगभग 70-80% पंचायतों तक यात्रा पहुंच चुकी है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे प्रमुख ध्येय ऐसे लोगों तक पहुंचना था जो किसी ना किसी वजह से अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित रहे। और मोदी ऐसे लोगों को पूजता है, मोदी ऐसे लोगों को पूछता है जिनको किसी ने नहीं पूछा। आज कोई अध्ययन करे तो पाएगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है। इस यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों की टीबी की जांच हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में
50 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सैचुरेशन की अप्रोच ने सरकार को कितने ही वंचितों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इस यात्रा के दौरान 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजना के लिए आवेदन किया। 35 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी पीएम किसान योजना से जुड़ गए। 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़े गए। 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। और साथियों, करोड़ों लाखों की संख्या में किसी के लिए महज आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये हर संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, मेरे लिए ये एक जीवन है। मेरा वो भारतीय भाई या बहन है, मेरा परिवारजन है जो अब तक योजना के लाभ से वंचित था। और इसलिए हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में हम सैचुरेशन की ओर बढ़े। हमारा प्रयास है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले। हमारा प्रयास है कि हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा हो। हमारा प्रयास है कि स्वच्छता का दायरा और बड़ा हो। हर गली, हर मोहल्ला, हर परिवार उसमें शामिल हो। हमारा प्रयास है कि हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो और स्वरोजगार में आगे बढ़ने का अवसर हो। साथियों, जब इस तरह नेक नियत से काम होता है, ईमानदारी से प्रयास किया जाता है, तो इसका परिणाम भी मिलता है। अभी भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। और न सिर्फ भारत में, ये दुनिया में भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण, गवर्नेंस के मॉडल को देखने का दृष्टिकोण और दुनिया में गरीब देश गरीबी से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसके लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये ताजा रिपोर्ट क्या है, ये ताजा रिपोर्ट कहती है, अभी एक हफ्ते पहले ही आई है, ये ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में, याद रखिए, पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जिस तरह का पारदर्शी व्यवस्था बनाई, सच्चा प्रयास किया, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया, उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। सरकार
कैसे गरीबों के लिए काम कर रही है इसे पीएम आवास योजना से भी समझा जा सकता है। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। 4 करोड़ गरीबों को अपना पक्का घर मिलना कितने बड़े काम की ये सफलता है और कितनी बड़ी मात्रा में गरीब आशीर्वाद दे रहा है। और मजा तो ये है कि इनमें से 70% से ज्यादा, यानी 100 में से 70 से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिला के नाम हुई है, मालिक हमारी बहन बन गई है। गरीबी से बाहर निकालने के साथ साथ इस योजना से महिलाओं को सशक्त करने में मदद मिली है। ग्रामीण इलाकों में घरों का आकार भी बढ़ाया गया है। पहले घर कैसे बनेंगे इसमें सरकार दखल देती थी, अब लोग अपनी पसंद के घर बना रहे हैं। सरकार ने आवास योजनाओं के घरों का निर्माण भी तेज किया है। पहले की सरकारों में जहां घर बनने में 300 से ज्यादा दिन लग जाते थे, वहीं अब पीएम आवास के घरों के निर्माण का औसत 100 दिन के आसपास का है। यानी हम पहले से 3 गुना तेजी से पक्के घर बना रहे हैं और गरीबों को दे रहे हैं। ये स्पीड है ना, वो सिर्फ काम की स्पीड नहीं है, हमारे दिलों में गरीबों के लिए जो जगह है ना, ये जगह गरीबों के प्रति प्रेम है ना, वो हमें दौड़ाता है, इसलिए तेजी से काम होता है। ऐसे ही प्रयासों ने देश में गरीबी को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, हमारी सरकार कैसे वंचितों को वरीयता दे रही है, इसका एक उदाहरण ट्रांसजेंडर समाज भी है। हमारा किन्नर समाज है और अभी मैं किन्नर समाज के एक प्रतिनिधि से विस्तार से बात कर रहा था, आपने सुना होगा। आजादी के बाद इतने दशकों तक ट्रांसजेंडर को किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार हमारे किन्नर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने साल 2019 में किन्नर समाज के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून बनाया। इससे किन्नर समाज को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलने के साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव को भी खत्म करने में मदद मिली। सरकार ने हजारों लोगों को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया है। जैसा अभी किन्नर समाज के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने आई कार्ड दिए हैं सबको, उसके लिए सरकार की योजना है और वो किन्नर समाज हमारी मदद भी कर रहा है। और जैसा अभी कुछ देर पहले हुए संवाद में जाहिर हुआ कि गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी हमारे किन्नर समाज को लगातार मिल रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आज लोगों का आत्मविश्वास, सरकार के प्रति उनका विश्वास और नए भारत के निर्माण का संकल्प चारों तरफ दिखता है। अभी 2 दिन पहले ही मैं पीएम जनमन अभियान के कार्यक्रम में अति पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों से बात कर रहा था, जनजातीय समाज के लोगों से बात कर रहा था। मैंने ये देखा
कि कैसे आदिवासी गांव की महिलाएं मिलकर गांव के विकास की प्लानिंग कर रही है। ये उन गांवों की महिलाएं हैं जहां आजादी के दशकों बाद भी ज्यादातर लोगों तक विकास की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंचा था, लेकिन इन गांवों की महिलाएं जागरूक है। वो अपने परिवार और समाज को योजनाओं का लाभ दिलाने में जुटी है। आज के कार्यक्रम में भी हमने देखा कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद बहनों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। 2014 के पहले देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना महज कागजों में ही सिमटा हुआ एक सरकारी कार्यक्रम था और ज्यादातर किसी नेता के कार्यक्रम के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए उपयोग होता था। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बने, उनके कार्य का कैसे विस्तार हो, इस पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। ये हमारी सरकार है जिसने ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ा। हमने उन्हें बिना गारंटी दिए लोन देने की सीमा को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया। हमारी सरकार के 10 वर्षों में करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनें, उन्हें स्वरोजगार के लिए बैंकों से 8 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद मिली है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 8 लाख करोड़ रुपए मेरी इन गरीब माताओं के हाथ में रखने की हमने हिम्मत की है, क्योंकि मेरी इन माताओं बहनों पर मेरा भरपूर विश्वास है। मेरा भरोसा है कि उनको अवसर मिले तो कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। हजारों बहनों ने नए उद्यम शुरू किए हैं। 3 करोड़ महिलाएं महिला किसान के रूप में सशक्त हुई है। देश की लाखों बहनें समृद्ध और आत्मनिर्भर हुई है। इस मुहिम को और तेज करते हुए सरकार ने 3 वर्षों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम शुरू किया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी। अब चंद्रयान की बातें तो होगी, लेकिन गांव में जब मेरी समय ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहन ड्रोन चलाती होगी, किसानी की काम में मदद करती होगी, तो कैसा दृश्य होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसके तहत नमो ड्रोन दीदियों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें अब ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू कर दिया गया है और मुझे खुशी है कि अब तक 1,000 से ज्यादा नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षण भी यानी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। नमो ड्रोन दीदी के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और साथ ही ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत मददगार सिद्ध होगा। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, किसानों को सशक्त करने की है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि छोटे किसानों की ताकत बढ़े, खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो, बाजार में उनको बेहतर कीमत मिल जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए देश में 10,000 नए किसान उत्पाद संघ
एफपीओ बनाने का अभियान शुरू किया गया था। आज इनमें से लगभग 8000 एफपीओ बन भी चुके हैं। सरकार पशुधन की रक्षा सुरक्षा के लिए भी उतने ही प्रयास कर रही है। हमने कोविड के दरमियान मनुष्य को वैक्सीन मिलता है, जिंदगी बचती है, इसकी तो सुना उसकी वाहवाही की कि भाई मुफ्त में मोदी ने वैक्सीन लगवाई, जीवन बच गया, परिवार बच गया। लेकिन इससे भी आगे मोदी की सोच क्या है, मोदी काम क्या करता है, हमारे यहाँ जो पशु होते हैं ना, हमारे पशुओं को खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज की वजह से हर साल किसानों को, पशुपालकों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे दूध का उत्पादन भी प्रभावित होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए आजादी के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों को टीके लगवाए जा चुके हैं। इस पर भी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस अभियान का भी नतीजा है कि देश में दूध उत्पादन 50% से ज्यादा बढ़ा है। इसका लाभ पशुपालक को हुआ है, पशु रखने वाले किसान को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। युवा शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भी देश में लगातार काम हो रहा है और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसमें मदद कर रही है। इसके दौरान ढेर सारे क्विज कंपटीशन कराए गए हैं। साथ ही देश के कोने कोने में हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। मुझे इस बात से खुशी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में हमारे युवा माय भारत वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इन्हीं संकल्पों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा मिल रही है। 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि इस अभियान में आप भी जुटेंगे। फिर एक बार जिन सबसे संवाद करने का अवसर मिला उनका भी आभार, और इतनी बड़ी तादाद में